Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy and your class as well. So let's continue with the notice writing. Notice writing की दो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जिसमें हम different types of notice writing जो है वो शेयर कर रहे थे. So today we will do the rest of the types like events and appeal warning. So नाउ वी विल कॉन्टिन्यू विद इवेंट्स. जो इवेंट्स वाले नोटिस राइटिंग है मोस्टली आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है ये आपका. एंड इवेंट्स में एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल की लाइक कॉम्पिटिशन्स अगर आपके स्कूल्स में हो रहे हैं, सेलिब्रेशन है, टूर विजिट के रिगार्डिंग है, या स्पोर्ट्स मीट्स आपके स्कूल में होने वाला है, या कोई कल्चरल इवेंट है. सो इस तरह के जो भी इवेंट है वो हम इस टाइप के अंदर अपना इन्वॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रिक्वायर्ड थिंग्स विच वी विल रिक्वायर टू मेक अ स्ट्रॉन्ग नोटिस राइटिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन हु इज ऑर्गेनाइजिंग. जो इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है ये सबसे पहले आएगा. हु कैन पार्टिसिपेट, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन है या कोई विजिट है. विजिट अगर कोई ज्यादा लंबा ड्यूरेशन अगर होता है तो उसमें सीनियर विंग को ही लिया जाता है. और आपको इसमें आपको बताना पड़ता है कि अगर कंपटीशन हो रहा है या सेलिब्रेशन हो रहा है या कल्चरल इवेंट है तो उसमें कौन से क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. उसके बाद ओकेजन जरूर मेंशन होना चाहिए कि ओकेजन क्या है. नंबर ऑफ डेज मेंशन करेंगे अगर आपका रिगार्डिंग टूर्स और विजिट्स हैं, कि आपका वो जो टूर है या विजिट है वो कितने डेज का होने वाला है. उसके बाद एक्सपेंडिचर एस्टिमेट, कितना उसमें एक्सपेंडिचर जो है, जैसे हम सारा का सारा उसमें जैसे फेयर कॉस्ट हो गया, अदर कॉस्ट इंक्लूडेड, इसमें क्या है कि आपका ये सारा बताना है आपको कि अगर आपका टूर 1 वीक के लिए जा रहा है तो उसमें फेयर कॉस्ट भी है और साथ ही साथ वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट लंच या डिनर जो भी अवेलेबल होगा उसको सारा मिला करके अप्रॉक्सीमेट जो एस्टिमेट है वो वहाँ पर बताया जाता है स्टूडेंट्स को. फिर उसके बाद लास्ट डे फॉर डिपॉजिटिंग द एडवांस टूर और विजिट के बारे में अगर हम बात करते हैं कि कब तक आप उसमें अपना जो एडवांस है उसको डिपॉजिट करवा सकते हैं. एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, अगर बच्चों के लिए कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है तो वो जरूर मेंशन की जाएगी. वो कॉम्पिटिशन या सेलिब्रेशन को लेकर के भी हो सकती है और साथ ही साथ टूर्स और विजिट को लेकर के भी हो सकती है. और लास्ट में आ जाता है हमारा कॉन्टेक्ट पर्सन विद डेजिग्नेशन, जो कि हम सभी नोटिस राइटिंग में कर रहे हैं. सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द एग्जाम्पल, बिकॉज एग्जाम्पल के थ्रू हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है. सो आई विल डिस्कस टू एग्जाम्पल्स विद यू. लाइक वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द स्क्रीन. यू आर रोहन कपूर द सेक्रेटरी ऑफ द साइंस क्लब ऑफ योर स्कूल. ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द साइंस क्लब. राइट अ नोटिस एंड नोट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द CV Raman National Science Exhibition to be held shortly in your school and requesting them to participate in it enthusiastically. Enthusiastically का मतलब होता है with full of energy. ठीक है, also inform them that outsider too are welcome to this exhibition. अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है जिसमें यह है कि जो अगर आउटसाइडर भी इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इफ दे आर हैविंग एनी मॉडल वर्किंग नॉन वर्किंग, कोई भी चार्ट पे हो या किसी भी तरह से हो, वो हमें इसमें इन्फॉर्मेशन अब देंगे. सो अगर इस तरह का है तो आपने ये चीज इसमें जरूर इंक्लूड करनी है कि जो भी आउटसाइडर है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो फर्स्टली वी विल राइट डाउन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट, क्योंकि इसमें स्कूल का नेम गिवन नहीं है. सो वी विल राइट डाउन आवर सेल्फ, हम अपने आप लिखेंगे उसको. अगर आप स्कूल लेवल पे ही लिख रहे हैं तो अपने स्कूल का नाम मेंशन कर सकते हैं. अदरवाइज आपको अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो उसमें फिर अगर स्कूल का नेम गिवन नहीं है तो वी विल राइट डाउन XYZ स्कूल और ABC स्कूल. सो जो यहाँ पे आपको एक फर्स्ट चीज जो नोटिस करनी है, दिस इज अबाउट द CV Raman नेशनल साइंस एग्जीबिशन. आपको पता होना चाहिए कि जो हम इन इंडिया वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे ऑन 28 February एवरी ईयर. ठीक है, जो CV Raman थे उनके जो डेट ऑफ बर्थ उनका है 28 February 1928. तो एक वो फिजिसिस्ट थे और उन्हीं के ही बहुत ग्रेट एक बहुत बड़े वो साइंटिस्ट थे और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था. तो उनके ही बर्थडे पे हम ये हर साल CV Raman नेशनल साइंस एग्जीबिशन नेशनल साइंस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं. सो अभी 28 फरवरी है, हमें इसका डेट पता है
तो हम देखिए इसी के अकॉर्डिंग अपनी जो डेट है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? बिकॉज जो डेट होता है वो हमारे माइंड में होना चाहिए, कुछ चीजों की हमें नॉलेज इसमें होगी तो शायद बेस्ट होगा। सो अब देखिए यहाँ पे जब मैं स्कूल का नेम मेंशन करूंगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरा, एबीसी स्कूल, बिकॉज नेम गिवन नहीं है यहाँ पे, एबीसी स्कूल न्यू दिल्ली, बस दैट इज एनफ। ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल राइट डाउन नोटिस वर्ड, ठीक है? नोटिस मैं पूरी फॉर्मेटिंग आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आपके जो पहले वीडियोज हैं, जो प्रीवियस वीडियोज हैं, कहाँ पर आपको लाइनें छोड़नी है, अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो तो आप उन वीडियोज को देख सकते हैं एक बार। उसके बाद बच्चे वी विल राइट डाउन द डेट, डेट हम उसी के अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे बिकॉज 28 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए कि 28 फरवरी को तो सेलिब्रेट करना है वो हमें, सो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो नोटिस राइटिंग का जो डेट डालेंगे वो उससे थोड़ा सा पहले का डालेंगे, लाइक वी कैन टेक 10 फरवरी, ठीक है? सो डेट वर्ड नहीं मेंशन करेंगे, जस्ट वी विल राइट डाउन द डेट ओनली, 10 फरवरी एंड 2000, आप ऐसे क्रॉस करके मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अगर आप एग्जैक्ट डालना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू द ईयर लाइक 2021, आप उसके अकॉर्डिंग में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हम आ जाते हैं अपने टाइटल पे, सब्जेक्ट पे, कि हमारा जो मोटो है यहाँ पर वो क्या है, मतलब वो जो उसको शो करेगा कि हाँ नोटिस किस चीज के बारे में है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, सीवी रमन नेशनल साइंस एग्जीबिशन, ठीक है? सो इसको देखिए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, सीवी रमन नेशनल साइंस एग्जीबिशन, बिकॉज इसको देखते ही कंफर्म हमें हो जाना चाहिए कि हाँ हमारा जो नोटिस है वो किसके बारे में है, ठीक है? सो ये अब इसके बारे में हमारा नोटिस आएगा। अब जब एग्जीबिशन चल रहा है तो इसमें हम अगर हमारी मर्जी होगी इसमें कि हम इसमें कौन से स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, मान लीजिए इसमें हम अपने मिडल विंग के लिए ये कंपटीशन, ये एग्जीबिशन रख रहे हैं, तो हम उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना? बिकॉज इसमें वो बच्चे जो होते हैं हमारे वो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, और जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनके ऊपर काफी प्रेशर होता है स्टडीज का, तो वो इस तरह के एग्जीबिशंस में कम ही होता है, बिकॉज उसके बाद जैसे अगर 10th का देखे तो उसमें आपका बोर्ड एग्जाम्स हो जाता है, 11th 12th में फिर क्या हो जाता है कि उसके जो स्ट्रीम्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। सो जो हमारे मिडल विंग होते हैं वो उसके लिए बेस्ट होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे उन्हीं बच्चों को बताएंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस, अब हम इसमें ले लेते हैं यहाँ से 6th to 9th, ये ले लेते हैं, ठीक है ना? 6th to 9th आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, वो डिपेंड करता है, अगर आप 12th तक भी ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, इन्फॉर्म के बाद टू का यूज नहीं करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें। इन्फॉर्म्ड दैट क्या जाएगा इसमें, सीवी रमन, बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है वो यही है, सीवी रमन नेशनल साइंस एग्जिबिशन, साइंस एग्जी एग्जीबिशन विल बी हेल्ड इन द स्कूल, इन द स्कूल, ठीक, इन द स्कूल, द डिटेल्स ऑफ द एग्जीबिशन, द डिटेल्स ऑफ द एग्जीबिशन आर एज फॉलोस। सो डेट टाइम वेन्यू हम इसमें मेंशन कर देंगे, लाइक मैंने यहाँ पे डेट लिया, डेट डेट लाइक 28th फरवरी है वो ले लेते हैं हम, 28th
2000 क्रॉस करके मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी दिन ये सेलिब्रेट होगा, एग्जीबिशन होगा जिस दिन उनका, हम अपना इंडिया के अंदर नेशनल साइंस डे मनाते हैं, उसके बाद टाइम मेंशन कर देते हैं इसमें, टाइम पूरा बता देंगे। टाइम कैसे आएगा, जैसे 9 AM टू 2 PM, ठीक है, पूरा ड्यूरेशन बता दिया, इतने से बजे आपका स्टार्ट होगा, इतने बजे खत्म होगा। और उसके बाद वेन्यू, वेन्यू में कोई भी ले सकते हैं, जैसे आप स्कूल में कोई कल्चरल हॉल है वो ले लीजिए, यहाँ पे कल्चरल हॉल, ठीक है। सो ये क्या आ गया, ये इन्फॉर्मेशन आ गई, कब सेलिब्रेट होगा, टाइम बता दिया और वेन्यू बता दिया कहाँ पर ये आपका सेलिब्रेट होगा। सो इतना आने के बाद अब हम अपने आगे की इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, बिकॉज इसमें हमें आउटसाइडर को भी लेना है, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, तो इसमें आ जाएगा स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग, बिकॉज एग्जीबिशन है तो पहले ही आपको सारा सबमिट करवाना पड़ेगा, टू ब्रिंग चार्ट्स वर्किंग एंड नॉन वर्किंग मॉडल्स एंड सबमिट टू देयर क्लास टीचर लेटेस्ट बाय, मेंशन कर देंगे डेट कब तक करवाना है, लेटेस्ट बाय, जैसे यहाँ पे 20th February है, 10 को आपने किया तो 20th February ले लेते हैं, 20th February 2000, इस तरह से। एंड पार्टिसिपेट एंथुसियास्टिकली इन इट, ठीक है। और आउटसाइडर का मेंशन करना है, आउटसाइडर्स कैन ऑल्सो कम एंड ग्रेस द ओकेजन, एंड ग्रेस द ओकेजन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। सो यहाँ पे हमें अब नाम को देखना है, इसको चेक करना पड़ेगा, नाम जो हमने यहाँ पे लिया है वो ले लेते हैं, विच इज रोहन कपूर, सेक्रेटरी ऑफ साइंस क्लब, यस, उसी को ही मेंशन करेंगे अब हम यहाँ पे लास्ट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट, वी विल साइन। सो इतना हो जाने के बाद हम अब यहाँ पे नेम लिखेंगे, साइन करेंगे और डेसिग डालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन करेंगे हम, जैसे रोहन है तो रोहन हमने यहाँ पे सिग्नेचर किया, उसके बाद उनका पूरा नाम लिखा, नेम रोहन कपूर, और लास्ट में हमने उनका डेजिग बताया, डेजिग है उनका सेक्रेटरी, सेक्रेटरी साइंस क्लब, साइंस क्लब। सो देखिए ये जो हमारा नोटिस राइटिंग है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और हमने देखिए इसमें कोई भी चीज़ जो मिस नहीं की है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें इसमें पूरी डिटेल्स हमने मेंशन कर ली है, तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इससे आपको और भी हेल्पफुल होगा नोटिस राइटिंग सीखने में। सो नाउ वी आर हैविंग वन मोर क्वेश्चन, इट इज़ अबाउट द विजिट। सो यू आर ईशा ऑफ आर के मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुणे, एज द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग नेम्स फॉर द एक्सकर्जन ट्रिप टू गोवा।
प्लान इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर। अब यहाँ पे देखिए सितंबर जो गिवन है डेट हमारी, इसका मतलब हमें यहाँ पे जो डेट मेंशन करनी पड़ेगी वो क्या आ जाएगी, हमारी अगस्त की आएगी, क्योंकि सितंबर में जो आपका ये यहाँ पे ट्रिप है ये प्लान किया गया है। सो ये चीज़ें होती है कि हाँ हमने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और करना है। सो और इन्फॉर्मेशन तो देखिए हमारे पास है, ईशा है और उनका जो डेजिग है वो कौन सा है, यस कल्चरल सेक्रेटरी है। स्कूल का नेम भी यहाँ पे गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ से। तो सबसे पहले वी विल राइट डाउन नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच इज आर के मेमोरियल, आर के मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉमा पुणे, ये हमारा आ गया। उसके बाद हम अपना नोटिस वर्ड लिखेंगे इसमें, ठीक है। नोटिस हम कैपिटल में ही राइट करेंगे, सो इसको यहाँ पे कैपिटल में राइट कर देते हैं नोटिस को, NOTIC, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद हम डेट ले लेते हैं, लाइक यहाँ पे देखिए डेट है सितंबर के लास्ट में प्लान किया तो अगस्त का हम इसमें डाल लेते हैं। सो 20 अगस्त में यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, 20 अगस्त, ठीक है, और 2000 क्रॉस करके मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक्सकर्जन ट्रिप टू गोवा। सो यहीं पे हम अपना सब्जेक्ट भी ये ले लेते हैं, एक्सकर्जन ट्रिप टू गोवा, ठीक है। सो हमारी यहाँ पे देखिए मोस्टली चीजें हो चुकी हैं। अब हम अपने बॉडी से इसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 9th to 12th, 9 to 12th सारा सीनियर विंग ले लेते हैं, दैट एन एक्सकर्सन ट्रिप, एन एक्सकर्सन ट्रिप टू गोवा इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द लास्ट वीक, इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर। इट इज, ड्यूरेशन बता देते हैं हम, इट इज 21st सितंबर टू 27th सितंबर, ठीक है। फिर आगे इंफॉर्मेशन डालते हैं इसमें, ओनली ओनली द फर्स्ट 60 स्टूडेंट्स टू रजिस्टर विल गो टू द ट्रिप, विल गो टू द ट्रिप। इसका मतलब क्या है, सिर्फ जो बच्चे सबसे पहले 60 स्टूडेंट्स अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे वो ही ट्रिप पे जा पाएंगे। एंड स्टूडेंट्स मस्ट रजिस्टर, स्टूडेंट्स मस्ट, स्टूडेंट्स मस्ट रजिस्टर विद मिस्टर, बता देंगे किसको करवाना है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, मिस्टर आरपी सिंह, मिस्टर आरपी सिंह बिफोर बिफोर डेट मेंशन कर देते हैं, जैसे हमने मान लीजिए डाल दिया 5th सितंबर, 5th सितंबर, ठीक है। उसके बाद बताएंगे हम यहाँ पे अलोंग विद कंसेंट स्लिप जरूर होना चाहिए, अलोंग विद कंसेंट, कंसेंट पे पेरेंट्स के सिग्नेचर होते हैं कि वो रेडी हैं आपको भेजने के लिए, ठीक है ना। कंसेंट लेटर जो स्कूल से भी मिल सकती है, रिटर्न में भी हो सकता है, अलोंग विद कंसेंट लेटर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और फिर लास्ट में
for any other information, for any other information, please contact the undersigned, undersigned. ठीक है, सो इसमें जो नेम हमने लिया था वो था ईशा करके. सो यहाँ पे हम ईशा, इनका पहले सिग्नेचर करेंगे ईशा, फिर उनका नेम लिखेंगे ईशा, और लास्ट में हम उनका डेजिग, डेजिग क्या है हमारा, यस कल्चरल सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी. ओके, सो अगर ट्रिप का आपका किसी भी ट्रिप को लेकर के कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसी वे में लिखिए, डेफिनेटली यू विल गेट द फुल मार्क्स. सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. यस बेटा, ये हमारा लास्ट टाइप है. इसमें देखिए, नोटिस फॉर अपील एंड वार्निंग. अब जैसे आप इसको देख रहे हैं तो आपको समझ में भी आ रहा है कि कभी किसी तरह का ऐसा नोटिस अगर आपको रेडी करना है जिसमें आप किसी को अपील कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या वार्निंग दी जाती है, क्योंकि स्कूल्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको बच्चों को करने से रोकने के लिए एक वार्निंग दी जाती है, तो उसके लिए भी आपके नोटिसेस जो होते हैं वो रेडी किए जाते हैं. सो देखिए, अगर इस तरह का नोटिस अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो बेटा देखिए आपने किन किन बातों का यहाँ पे टेक केयर करना है. सो फर्स्ट इज वन, हु टू अपील और वॉन्ट, किसको आप अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसको आप वार्निंग दे रहे हैं. उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी इफ डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन साइनिंग द नोटिस. आपने उस इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना है जिसने भी आपको अपील करने या वार्निंग देने के लिए यहाँ पे बोला है, अगर वो उससे डिफरेंट है जो उस नोटिस को राइट कर रहा है, उस केस में होगा वो. आ स्लोगन और मैसेज, अगर कोई एक अच्छा काम किया जा रहा है या किसी को आप अवेयर करना चाहते हैं तो एक मैसेज और स्लोगन के साथ वो किया जा सकता है. इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कि अगर मान लीजिए कोई वार्निंग है या किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई इंस्ट्रक्शंस भी अगर फॉलो करनी है तो वो आप दे सकते हैं. उसके बाद है कॉर्टियस वे टू अपील. अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, तो बहुत ही एक काइंड वे में करना है आपको, हार्श होके नहीं करना है वो बिल्कुल भी. नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग पर्सन, जो हम सभी में कर रहे हैं. एंड लास्ट में एनी पनिशमेंट इफ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ वार्निंग टाइप ओनली. अगर वार्निंग आप दे रहे हैं और उसमें कोई पनिशमेंट है तो उसको आप जरूर मेंशन करेंगे. ये सिर्फ उस केस में होगा जब आप किसी को वार्निंग दे रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हम देखिए एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल मैंने लिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम. यू आर द हेड बॉय ऑफ बाल विद्या मंदिर चंडीगढ़. स्कूल नेम आ गया, प्लेस आ गया एंड हेड बॉय आ गया. ठीक है, नेम गिवन नहीं है तो हम अपनी तरफ से मेंशन कर लेंगे. यू एंड सम अदर स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल्स आर टच्ड बाय द प्लाइट. प्लाइट मींस क्या होता है, सिचुएशन ऑफ द पुअर एंड डेस्टिट्यूट इन द स्टेट रन होम्स. पुअर एंड डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट जो कि जिनका घर नहीं होता है, जो होमलेस बच्चे होते हैं और उनकी जो हालात है, बहुत गरीब बच्चे हैं जिनके घर नहीं है, और वो कहाँ पर रह रहे हैं, स्टेट रन होम्स जो कि दैट इज रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, सो अब आपने डिसाइड किया है एंड विश टू मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइव्स बाय लेसनिंग देयर सफरिंग्स बाय रेजिंग फंड्स फॉर दिस पर्पस. तो अब आप अपने स्कूल के अंदर बच्चों से यहाँ पे रिक्वेस्ट करने वाले, एक अपील करने वाले हैं कि हम यहाँ से कुछ कलेक्शन करेंगे और इन बच्चों की जिंदगी में थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करेंगे. हालांकि बहुत ज्यादा हम नहीं बदल सकते हैं, बट एक कोशिश हम लोग कर सकते हैं कुछ इस तरह का अच्छा काम करके. सो राइट अ नोटिस इन 50 वर्ड्स मेकिंग एन अपील फॉर जेनरस डोनेशन. सो आप सबसे क्या रिक्वेस्ट करने वाले हैं, अपील करने वाले हैं यहाँ पे उस डोनेशन के लिए. तो यहाँ पर अब आपने एक अपील का जो नोटिस है वो कैसे राइट करना है एग्जाम में, क्योंकि पूछ लेते हैं इस तरह के. सो वो स्टार्टअप यहाँ पे करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्कूल का नेम बाल विद्या मंदिर चंडीगढ़. बाल विद्या मंदिर चंडीगढ़. ओके, अब तो मुझे लग रहा है आपको अच्छे से आ भी गया होगा नोटिस, फॉर्मेशन अच्छे से पता चल गई होगी, इतने सारे एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं. नोटिस वर्ड राइट करेंगे अब हम, नोटिस. सो डेट आज की ही मेंशन कर लेते हैं हम, विच इज 21 मार्च 2021. आप चाहें तो क्रॉस क्रॉस भी लास्ट में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सो जब सब्जेक्ट हम राइट करेंगे, सो अटेंशन प्लीज से आप डाल सकते हैं क्योंकि अपील है. अटेंशन प्लीज,
अटेंशन प्लीज, और क्या आ सकता है, लैंड अ हेल्पिंग हैंड। हेल्पिंग हैंड, सो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब हम जब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो इन्फॉर्म्ड करके नहीं करेंगे, रिक्वेस्टेड, क्योंकि कॉर्टियस वे टू अपील हमारा होना चाहिए। सो यहाँ पे रिक्वेस्टेड वर्ड का यूज करेंगे, हम इन्फॉर्म्ड का नहीं करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा आप ऑल द, स्टार्ट जब इसको आप करेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड टू हेल्प एंड टू हेल्प एंड कोऑपरेशन टू मेक अ डिफरेंस टू मेक अ डिफरेंस इन द lives of in the lives of the less fortunate the less fortunate, ठीक है, क्योंकि वो बेचारे बच्चे इतने लकी नहीं है जितने हम हैं, बिकॉज वी आर हैविंग ऑल दी एवरीथिंग फ्रॉम आर पेरेंट्स, बट जिनके पेरेंट्स नहीं है, घर नहीं है, वो बच्चे क्या है, लेस फॉर्चुनेट है। सो इन द लाइव्स ऑफ लेस फॉर्चुनेट लिविंग इन द लिविंग in the state-run homes, state-run homes. So उनसे request करेंगे donate generously. उसके बाद बताएंगे यहाँ पे deposit your contribution to the undersigned by, like 21st मार्च लिया है हमने, हम इसको 27th मार्च तक लेके जा सकते हैं, 28th मार्च ले लीजिए, by 28th March 2021. So आप ये भी बता देंगे कि जो आपने कलेक्शन इकट्ठा किया है वो आप कैसे स्पेंड करेंगे। So the money so raised, इस तरह से जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा, will be spent on the medicines and clothes for the inmates, उन बच्चों के लिए आप इसको इकट्ठा करेंगे और आप ये उनको डोनेट करके आएंगे। अब इसमें देख लेते हैं, हेड बॉय का नेम गिवन नहीं था यहाँ पे, सो हम अपनी तरफ से ये नेम मेंशन करेंगे। सो वी विल राइट डाउन, यस, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे लाइक मैंने ABC मेंशन किया, फिर ये नेम है, ये साइन है, SND करके होता है, सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। सो नाउ वी विल राइट डाउन द नेम एंड आफ्टर दैट वी विल राइट डाउन हेड बॉय इन द ब्रैकेट, हेड बॉय, ठीक है। सो अगर आपने कोई भी अपील के लिए अगर कुछ भी इस तरह का नोटिस बनाना है तो आप इसको फॉलो करें। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वार्निंग को लेकर के है, देखिए। सो क्वेश्चन है हमारा, एज द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ द पेनल्टी
फॉर लॉसिंग और डैमेजिंग द बुक्स इश्यू टू देम। सो इस तरह के देखिए वार्निंग्स जो है स्कूल्स की तरफ से दे दी जाती है, क्योंकि बच्चे कई बार क्या होते हैं बुक्स को डैमेज कर देते हैं या उसको गुम कर देते हैं। सो अभी ये पेनल्टी के लिए बताना है कि आपने किस तरीके से अपना, अगर बच्चा कुछ ऐसा करता है बुक गुम हो जाती है डैमेज हो जाती है, तो किस तरह से आप उनको यहाँ पर पेनल्टी के लिए उनको नोटिस के थ्रू बताएंगे। साइन एज एस के सिंह, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, जयपुर। सो नाउ वी आर हैविंग ऑल इन्फॉर्मेशन, नाउ लेट्स कंटिन्यू टू राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द नेम ऑफ द स्कूल, सो विच इज मॉडर्न पब्लिक स्कूल जयपुर। मॉडर्न पब्लिक स्कूल जयपुर, सो ये हमारा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आ गया। उसके बाद नोटिस, नोटिस कर दिया आपने। उसके बाद हम डेट मेंशन कर देते हैं, लाइक टुडे इज 21 मार्च 2021। ठीक है, उसके बाद हम पेनल्टी फॉर बुक्स, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग है हमारा, तो पेनल्टी फॉर बुक्स फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल ले लिया है और बाकी आप रनिंग में दे सकते हैं। सो पेनल्टी फॉर बुक्स, अब हम यहाँ पे जब उसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो ऑल द स्टूडेंट्स आर, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट ऑल द बुक्स, ऑल द बुक्स इशूड फ्रॉम लाइब्रेरी मस्ट बी रिटर्न, मस्ट बी रिटर्न मस्ट बी रिटर्न विद इन आ विद इन अ पीरियड ऑफ 7 to 10 days। वो अपना अपना फिक्स होता है हर लाइब्रेरी का, सो अप्रॉक्सीमेट इतना ही होता है, 7 to 10 days। सो यहाँ पे बताएंगे कि कितनी पेनल्टी आप अगर बच्चा नहीं करता है टाइम से, तो वो बता देते हैं। आ पेनल्टी ऑफ रुपीज 3 ऑफ रुपीज 3 पर डे विल बी चार्ज, पर डे के हिसाब से बताया आपने ये 3 रुपीज, ठीक है ना, फॉर लॉसिंग और डैमेजिंग, फॉर लॉसिंग और डैमेजिंग डैमेजिंग द बुक्स इश्यूड, पेनल्टी बता दिया आपने यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद स्टूडेंट्स आर, सो आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू हैंडल द बुक्स विद केयर, और लास्ट में हम सिग्नेचर कर देंगे। एस के सिंह लाइब्रेरियन थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन सिग्नेचर एस के सिंह, उसके बाद नाम लिख देंगे उनका एस के सिंह, और लास्ट में उनका डेसिक लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन, ठीक है। सो फाइनली हमने यहाँ पे अपना जो नोटिस है वो दोनों कंप्लीट कर लिया, अपील का भी और वार्निंग का। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आर टॉपिक ने नोटिस राइटिंग। ये 11th और 12th का एक कॉमन टॉपिक है, 11th और 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एंड आई एम श्योर दैट कि अगर आपने ये तीनों वीडियोस बहुत अच्छे से देखे,
एग्जाम्पल्स के साथ मैंने सारे के सारे टाइप्स आपके डिस्कस किए हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर आपने ये तीनों वीडियोस देखी तो आपको कहीं भी कोई डाउट रह जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेरीज हैं आपकी, तो प्लीज़ अपने क्वेरीज कमेंट बॉक्स में डालिए एंड बी कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर बींग विद अस।